नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और एक और वीडियो आपके पास लेके आया हूँ और वो है वीवो X50 प्रो का कंपैरिजन ओप्पो फाइंड X2 प्रो से। यहाँ पे आप कहेंगे कि ओप्पो फाइंड X2 प्रो तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ तो कैसे कंपैरिजन दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं दिखा रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओप्पो फाइंड X2 प्रो और वीवो X50 प्रो में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम ये नहीं जानना चाह रहे कि कौन सा बेटर है, बस डिफरेंस जानना चाह रहे हैं, इसलिए वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि फ़ोन जो ये इतना एक्सपेंसिव है उसमें और इसमें कितना अंतर है, सिर्फ हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि फ़ोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, इंडिया में फाइंड X2 लॉन्च हुआ है जिसकी कीमत लगभग 65,000 रुपये है। अगर ये लॉन्च होता तो इसकी कीमत लगभग 70-75,000 जाती। तो अगर 70-75,000 इसकी कीमत होती इंडिया में या इंडिया से बाहर भी जो ये लॉन्च हुआ है तो अंतर क्या है वो अब जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं क्योंकि डिस्प्ले सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों का डिस्प्ले में अच्छा खासा अंतर देखने को मिल जाएगा। एक में आपको मिलता है 6.7 इंच का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जिस पर आपको 120 हर्ट्ज़ स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। साथ साथ HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है और गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है। और हाँ, इसमें AMOLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं बात करें वीवो X50 प्रो की तो इसमें आपको 6.56 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है। 90 हर्ट्ज़ स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। AMOLED डिस्प्ले इसमें भी है। दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अब एक और चीज़ बता दूँ कि दोनों के डिस्प्ले जो है वो कर्व्ड है तो लुक्स दोनों की अच्छी आपको लगेगी। पर यहाँ देख सकते हैं कि 120 हर्ट्ज़ है यहाँ पे, क्या कहते हैं, स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो उस वजह से थोड़ा सा बेटर कहा जाएगा ये। और ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो इस पर गोरिल्ला ग्लास 6 है, इस पर शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। दोनों में पंच होल आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा बेटर है ओप्पो का फाइंड X2 प्रो एज कम्पेयर टू X50 प्रो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले बिकॉज ऑफ द 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट। अब बात करेंगे ओवरऑल लुक्स की तो दोनों में आपको मेटल फ्रेम मिल जाता है और पीछे ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है। दोनों में गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है पर लुक वाइज आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, अलग डिज़ाइन के साथ वीवो X50 प्रो को पेश किया गया है। प्लस आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वीवो X50 प्रो थोड़ा हैंडी स्मार्टफोन है। 6.56 होने की वजह से आपके हाथ में आसानी से फिट होगा, जबकि ओप्पो फाइंड X2 प्रो थोड़ा बड़ा स्मार्टफोन है। 6.7 इंच का स्क्रीन साइज मिलता है तो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है ये। तो यहाँ पे वीवो X50 प्रो इन टर्म्स ऑफ लुक्स और इन टर्म्स ऑफ इन हैंड फील आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि छोटा फ़ोन है तो पसंद आएगा। पर एक और चीज़ में यहाँ पे ओप्पो का फाइंड X2 प्रो आगे निकलता है, वो है IP रेटिंग। इसमें आपको IP68 की सर्टिफिकेशन मिल जाती है जो कि इसमें नहीं दी गई। तो ये पानी में अगर आप डुबा भी देंगे तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर ख़राब हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए स्पेसिफिकेशन में डालते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से लीड करेगा ओप्पो फाइंड X2 प्रो, क्योंकि भैया इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट और इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट। दोनों में 5G का सपोर्ट है, लेकिन ये तो दमदार है, ये तो आगे निकलता है। रैम स्टोरेज के मामले में ये आगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि दोनों की मेमोरी को आप बढ़ा नहीं सकते। अब कैमरा सेक्शन में नज़र डाल लेते हैं तो आपको बता दूँ कि ओप्पो फाइंड X2 प्रो मिलता है 48+13+48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। 48 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो रेगुलर है, 13 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो टेलीफोटो है। उसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम और 60x डिजिटल जूम मिल जाता है और एक 48 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है, वो है अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोग्राफी के लिए। वीडियो को सेक्शन में डाल के आपको वीडियो का ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको OIS मिल जाता है। इसके साथ साथ एक बार सेटिंग में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस क्वालिटी पे आप वीडियोस शूट कर सकते हैं। 4K वीडियोस आप शूट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे वीवो X50 प्रो की तो इसमें भी 48 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसमें गिम्बल OIS दिया गया है, यानी गिम्बल के तरीके से आप वीडियो शूट कर पाएंगे। जब हम चलेंगे शूट करेंगे तो जर्क नहीं आएगा, एकदम ऐसा लगेगा कि गिम्बल पे रख के इस फोन को शूट कर रहे हैं। तो इस वजह से अपर हैंड है यहाँ पे वीवो X50 प्रो का। इसके अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, इसमें मैक्रो फोटोग्राफी भी है। इसके साथ साथ 13 मेगापिक्सल का बोके लेंस दिया गया है और एक 8 मेगापिक्सल का एक और सेंसर है जो कि टेलीफोटो लेंस है। 5x ऑप्टिकल जूम है और 60x डिजिटल जूम सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एक सेंसर बेनिफिट है किसके पास, वीवो X50 प्रो के पास। वहीं सेल्फी की बात करेंगे तो दोनों ही फ़ोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। तो फोटोग्राफी के लिए, सेल्फी फोटोग्राफी के लिए भी दोनों फ़ोन शानदार है। पर आपको बता दूं कि क्योंकि इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट मिलता है तो मेरे ख्याल से इसकी फोटोग्राफी थोड़ी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू वीवो X50 प्रो। पर अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट करने के बाद बताऊँ कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। पर अभी ऑन पेपर्स देखेंगे तो यहाँ पे वीवो X50 प्रो ओप्पो फाइंड X2 प्रो पर भारी पड़ रहा है। बैटरी पे अब गौर करते हैं हम। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
तो ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो में आपको भले ही 4260 एमएएच की बैटरी मिलती हो, लेकिन इसमें जो सुपर वुक 2.0 दिया है यानी 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड दी है वो वीवो एक्स फिफ्टी प्रो भारी पड़ती है। वीवो एक्स फिफ्टी प्रो में 4315 एमएएच की बैटरी दी गई लेकिन 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ पे थोड़े से एमएएच कम है ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो में, लेकिन बैटरी की चार्जिंग स्पीड बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे इस पर भी राज करता है ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो। स्पेसिफिकेशन के अलावा सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, पर यूआई अलग अलग है। इसमें फन टच ओएस दिया है, इसमें कलर ओएस दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआई अलग अलग है लेकिन बेस जो है वो एंड्रॉयड 10 ही है। तो आपने देखा कि बहुत अंतर है ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो में, हालांकि कैमरा में कुछ एरियाज़ में वीवो एक्स फिफ्टी प्रो आगे निकलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में फाइंड एक्स टू प्रो भारी पड़ रहा है एक्स फिफ्टी प्रो में। तो अगर ये फ़ोन महंगा लॉन्च हुआ है तो कुछ वजह ही है, फीचर्स अच्छे हैं, स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं एज कम्पेयर टू एक्स फिफ्टी प्रो, इसलिए थोड़ा सा महंगा लॉन्च किया गया है। पर एनीवे ये तो सिर्फ हम यहाँ देख रहे थे कौन सा फ़ोन कहाँ ठहरता है, कोई यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का, इसका प्राइस रेंज अलग है, इसका अलग है, ऊपर से तो इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं, बस यहाँ पे हम देख रहे थे कि किस फोन में क्या क्या आपको मिल रहा है। पर कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हमेशा की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।